अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ गवार और कीमा। और ये मेरी जो एमी है उसने बच्चे दी थी, एक ये है, एक ही बच्चा बचा उसका, बाकी जो चार बच्चे सब मरेले पैदा हुए, बस ये एक ही बच्चा बचा इसका। ये चिल्ला रहा काला, एकदम काला हुआ। एमी, ए रानी, एमी, इसका एक ही, चार बच्चे मर गए, एक ही बच्चा बचा है। मैं जा रही हूँ किचन में, अभी लादी मम्मू, अभी पोछा मारेगी, झाड़ू मार दी मम्मू ने। ईद में मैंने ये चादर बिछाई थी मम्मू के पलंग पे, और हम लोग के पलंग पे ये बिछाई थी, ब्लैक और मरून, और ये मम्मू के पलंग पे ये वाली चादर, और ये बाहर के पलंग पे मैंने ये फिसलने वाली चादर बिछाई थी, ये वाली। और अभी मैं जा रही हूँ कीमा और गवार बनाने, प्याज लाल हो गई, तो अभी मैं आपसे बताती हूँ कीमा और गवार कैसे बनती है। अभी एक कांदा लाल हो रहा है, और ये मैंने 100 रुपये का कीमा मंगाई थी, बीफ का है ये। अभी गवार है, गवार अभी मैं धो लूँगी, ये 1.5 किलो गवार है, ये गवार को धो लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर, 2 कांदा मैंने लाल करने रखी हूँ, और इसमें मैं कीमा डालूँगी। अभी मैं इसमें कीमा डालूँगी, फिर कीमे के साथ कीमे प्याज के साथ कीमे को फ्राई करेंगे ना, तो ज़रा उसकी जो स्मेल आती है वो चली जाएगी, हड्डी भी है इसके साथ। और मैं कच्चा ही बगाती हूँ, क्योंकि कीमे को गलने को टाइम ही नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको कच्चा बगाती हूँ। अभी थोड़ा भुने जाएगा कीमा, और तो मैं इसको, और पानी इसका सूख जाएगा, तो फिर मैं इसमें मिर्ची डालूँगी। मिर्ची में मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और ज़ीरा डाल के पीसी हूँ। कीमे का पानी अच्छा सूख गया, अभी इसमें मैं डालूँगी ये पीसी हुई मिर्ची। इसमें पानी दे दिया, इसको अच्छा हिलाऊंगी, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप फॉलो करो, जो भी मेरी वीडियो देखता है इंस्टाग्राम पे ही मेरे को फॉलो करो। तो मैं थोड़ा और भूनूंगी इसको अच्छे से, पकने दूंगी इसको मिर्ची डाल के, मिर्ची डाल के भी अच्छा भून गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगी और नमक हल्दी डालूंगी, टमाटर डालना, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालने का, हल्दी भी देते हैं। और अभी मैं इसको ना गैस पर ट्रांसफर कर दूँगा, इसको अभी मैं गैस पर रख दूँ। हल्दी, नमक, टमाटर डाल दी हूँ, और इसको थोड़ा भूनूंगी, फिर अभी मैं इसमें गवार ऐड करूँगी, गवार डालने के बाद। अच्छा हिलाऊंगी, अभी मैं इसको झाँक दूंगी। कीमा देख लेती हूँ मैं, इसमें कीमे का भी पानी छूटा हुआ है। थोड़ा और 5 मिनट पकाऊंगी इसको, ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। इसका पानी पूरा सूख गया है, सिर्फ ऑयल आया है। अभी थोड़ा भून लूंगी मैं इसको ऐसे हिलाते हिलाते, ताकि टमाटर ये सब मैश हो जाए।
बन गया हम लोग का कीमा और गवार। इसमें थोड़ा मैं कोटिंग डाल दूंगी ऊपर से। गवार की रेसिपी जिस किसी को भी अच्छी लगी, कीमे गवार की रेसिपी, तो बनाना, फोटो शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। दुआ में याद रखना।